का पूरा झूला भी आप देख सकते हो खाली है, कोई है ही नहीं उस झूले में। एंड ये रहा वो ग्राउंड जहाँ पे कि पैर रखने का भी जगह नहीं होता था गाइस। तो आप लोग खुद ही नोटिस कर सकते हो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बट यहीं पे लगता था वो वाला मेला। एंड यहाँ से देखिए गाइस व्यूज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस देख रहे हो कि कैसा हो गया है सब कुछ। जब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था सेक्टर 8 वाला, वो जो लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे वो सारे के सारे सिंगर्स जो आए हुए थे, सो तब का माहौल गाइस कैसा था। एंड अभी आप लोग नोटिस कर सकते हो कि देखिए पूरा का पूरा मंडप ही जैसे एकदम खाली हो गया। क्राउड इतना रहता था यहाँ पे कि सोचने पे भी हम लोग ऐसा हो जाता था कि ब्लॉग में कितने मुश्किल से रिकॉर्ड करता था गाइस गरबा में, मैं ही जानता हूँ। बिकॉज बिल्कुल भी ऐसा जगह नहीं मिलता था मुझे कि मैं आराम से कहीं पे खड़े होकर रिकॉर्ड करूँ। एंड आज वैसा दिन है कि हम एकदम ही आराम से, मतलब इसीलिए आज मैंने दिन में कहीं का भी ब्लॉग बनाया नहीं, बिकॉज मुझे नाइट एक्सप्लोर करना था कि गरबा के बाद विसर्जन के बाद वाला नाइट कैसा होता है। एंड गाइस थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने गरबा वाले ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, मतलब सारे वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट किया। सो लिटरली थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। गाइस इसीलिए मैं अपने ब्लॉग की ओपनिंग कर रहा हूँ सेक्टर 8 से, एंड इसके बाद हम चलेंगे सेक्टर 19, बिकॉज दोनों जगह का मैंने ब्लॉग डाला था और आप लोगों ने दोनों जगह के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। सो मैंने सोचा गरबा और विसर्जन के बाद कैसा रात होता है, सो वही एक्सप्लोर करने के लिए मैंने आज दिन में कोई व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए मैं आज इवनिंग में ही व्लॉग बना रहा हूँ। सो अभी फिलहाल में मैं ग्राउंड दिखा देता हूँ गाइस कि ग्राउंड हो कैसा गया है, एकदम सुनसान। और वहाँ पे देखिए पूरा झूला जहाँ पे हुआ करता था, पूरा का पूरा झूला भी आप देख सकते हो खाली है, कोई है ही नहीं उस झूले में। एंड ये रहा वो ग्राउंड जहाँ पे कि पैर रखने का भी जगह नहीं होता था गाइस। एंड अभी तो देखिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चल रही है, एकदम ही फ्री हो गया स्पेस। सो इसीलिए मेरा पर्पस आज का यही था कि मतलब बहुत लोग ये चीज़ सोचते होंगे गाइस कि कैसा हो जाता है, सो जिसके वजह से मैंने सोचा कि चलो बहुत लोगों का भी होप हो जाएगा एंड मैं भी देख पाऊंगा, सो जिसके वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस अब चलते हैं सेक्टर 19 में। यहाँ का तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया कि पंडाल और मंडप कितना सुनसान हो गया है, सो यहाँ का हो गया है। सो अब यहाँ से निकलते हैं गाइस, अब चलते हैं सेक्टर 19 एंड वहाँ पे भी देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा हो गया है, कितना मतलब मिस कर रहा हूँ माता रानी को। एंड गाइस ये देखिए गेट से भी पूरा लाइटिंग एंड ऑल हटा दिया गया है, कैसा लग रहा है एकदम शान शान। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ सेक्टर 19 में, और इसके पहले मैं था सेक्टर 8 में, देखा ही आप लोगों ने। अब मैं करने वाला हूँ गाइस यहाँ के पूरे माहौल को एक्सप्लोर। जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा है कि मैंने जब अपने ब्लॉग की ओपनिंग करी है तो यहाँ पे क्या माहौल होता था, पूरा मेले का झूला एंड ऑल आप लोग देख ही सकते हो, सब कुछ एकदम सुनसान हो गया है एंड यहाँ पे इतना क्राउड होता था। तो अभी फ़िलहाल में तो गाइस अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मुझे ये भी नहीं पता है कि परमिशन, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले अंकल बैठे हैं, सो मुझे अभी उनसे परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, बिकॉज़ अंदर ना काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। सो फटाक से पूछ के जल्दी से जाके जल्दी से आ जाएंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं अंदर जाऊँगा नहीं, बट फिलहाल मैं एक बार ही परमिशन लेने का ट्राई करता हूँ। एंड अंदर अंधेरा सा है सो ज़्यादा अंदर रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा कि वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं जैसे कि सेक्टर 8 में मैंने दिखाया। सो अंदर का भी मुझे दिखाना है, सेक्टर 19 का भी। सो चलते हैं अंकल से थोड़ा पूछते हैं, अगर अंकल ने जाने दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखते हैं क्या करना है। गाइस ये देखिए ये वो वाला एरिया है जो कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था जब नवरात्रि आ रहा था, प्रिपरेशन चालू था। एंड अभी यहाँ का भी एरिया देखिए, लाइटिंग वगैरह तो लगा है पर सारा का सारा लाइट है बंद। एंड वो देखिए वहीं पे होता था गाइस क्राउड, एंड वहीं पे आए थे महाराष्ट्र के सीएम आए थे एकनाथ शिंदे जी, एंड वहीं पे रेगुलर दादूस का कॉन्सर्ट भी चलता था। सो मुझे ना खुद ही डर सा लग रहा है बिकॉज अंदर काफ़ी दूर तक है ना गाइस और अंधेरा सा है। सो मैं देखता हूँ अंदर पूरा जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बिकॉज मेरे को खुद को ही डर लग रहा है, बिकॉज बहुत बड़ा ग्राउंड है, छोटा मोटा तो है नहीं। सो गाइस अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज काफ़ी अंदर तक है ये देखिए। सो उतना अगर नज़दीक में जाऊँगा तो आप लोग खुद ही नोटिस कर सकते हो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बट यहीं पे लगता था वो वाला मेला। एंड यहाँ से देखिए गाइस व्यूज़, लिटरली क्या व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वाह, कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम उड़ पाते। एंड आप लोगों को मैं मेले का इसलिए नहीं एक्सप्लोर कर सकता हूँ बिकॉज ये देखिए आप लोग ब्लैक कलर में देख सकते हो, सो वहाँ पे बंद किया गया है, वरना मैं चलता अंदर आप लोगों को झूले का दिखा देता। सो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो गाइस पूरा ऑलमोस्ट देखिए, सो जूम करके कुछ ऐसा ही है। सो एकदम पास में भी जाके आप लोगों को यही सारी चीज़ें दिखने वाली है। गाइस आप लोगों ने देखा है कि कुछ ही दिन पहले यानी 2 ही दिन पहले कैसा माहौल था यहाँ पे, जब मैं लास्ट डे यहाँ का गरबा रिकॉर्ड कर रहा था जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी आए थे, मतलब ऐसा लगता है कि कितने जल्दी जल्दी दिन भाग जाता है। पूरा का पूरा एकदम देखिए ना, स्पेस इतना ज़्यादा है और कहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी,
एंड यहाँ पे विजय चोगले सर ही ऑर्गेनाइज करते थे पूरा। एंड आप लोगों ने देखा कि मैंने सर के साथ भी व्लॉग बनाया था, सर ने मुझे मौका दिया, उनके साथ में मैं वीडियो कर पाया था। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहले ऐसा होता था कि गरबा खेलता ही था, थोड़ा यहाँ थोड़ा सेक्टर आ, मतलब पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ मैं गरबा खेलता ही था। एंड अभी जब से कि मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ, सो मुझे खुद ऐसा है कि नहीं, हर जगह अलग अलग जगह जाऊँ, आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊँ। जो लोग मुंबई से देख रहे हैं, जो लोग मुंबई के बाहर से देख रहे हैं, बिकॉज मुंबई के बाहर से भी बहुत लोग सोचते होंगे गाइस कि मुंबई का गरबा कैसा होता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं मुंबई में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस देखने के लिए मिलते हैं। सो ये चीज़ तो फैक्ट है ही गाइस, आप लोगों ने खुद देखा कि हर दिन मैं अलग अलग जगह गया और इस बार ही बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी हमने देखा। सॉरी गाइस, मैं अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं अंकल ना अंदर से मुझे बुला लिए, बिकॉज अंदर पे परमिशन था नहीं, अंकल ने थोड़ी देर के लिए मुझे कहा था, सो मुझे उन्होंने रिकॉर्ड करने दिया। इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज उन्हीं के चलते मैं आप लोगों को दिखा पाया अंदर। सो गाइस, जैसा कि बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि मुंबई में मतलब बहुत ढेर सारे हम हीरो हीरोइंस को देखते हैं, सो ये वाला फैक्ट तो हो ही गया गाइस कि हर दिन मैं अलग अलग जगह तो गया ही, साथ ही साथ हम लोगों ने, सच बताऊं तो मैंने खुद ने पहली बारी इतने ढेर सारे एक्टर लोगों को एक्ट्रेसेस को देखा गाइस। बिकॉज हर साल ऐसा होता था कि मैं गरबा खेलता था, बट अभी ऐसा है कि व्लॉग के थ्रू मैं खुद अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ। सो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बस मैंने संजय दत्त सर को देखा, सोनाक्षी सिन्हा मैम को देखा, उसके बाद जैकी श्रॉफ सर को देखा, उसके बाद राहुल देव सर को देखा, एंड सोनाक्षी मैम को तो मैंने दो दो बार देखा। उसके बाद लास्ट डे जो कि इतना ग्रैंड हो गया कि महाराष्ट्र के सीएम के साथ में लास्ट डे का गरबा हो गया, और मराठी के एक्टर एक्ट्रेसेस, टीवी सीरियल्स के एक्टर एक्ट्रेसेस, वो बहुत सारे लोगों को देखा। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइज मुझे भी, एंड होप सो कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। एंड ये था गाइज नवरात्रि के गरबा और विसर्जन के बाद वाला दिन, जो कि हो जाता है ऐसा एकदम सब कुछ खाली खाली। वंस अगेन दिल से आप लोगों को थैंक यू, बिकॉज आप ही लोगों के वजह से मैं हर दिन नए जगह पे गया और हर दिन गरबा को एक्सप्लोर कर पाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो लिटरली दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों को, एंड होप सो गाइस कि आज का भी ब्लॉग आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो। ये देखिए चालू ही ब्लॉग में बारिश भी होने लगा, सो अब घर पे चलते गाइस। एंड होप सो गाइस लोगों को काफी अच्छा लगा हो गरबा और विसर्जन के बाद वाला ब्लॉग। गाइस फाइनली मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बारिश काफी जोरों से स्टार्ट हो गया, सो थोड़ा बहुत अगर मैंने जल्दी जल्दी किया तो सॉरी गाइस, अब चलते हैं भागते हैं। Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.